हमारे युवा सरपंच जी ने आप में विचार रखे और आपको बताया कि किस तरह से आप लोगों को इस राजनीति में आना है। साथियों, हमारे मन संचालक जी बाहर गए, जब तक मैं आप लोगों को कुछ अपने विचार बता देता हूँ। आपको जयस की विचारधारा बता देता हूँ कि ये जयस क्या है। ये जयस जो है जय आदिवासी युवा शक्ति, जिसका एक विकल्प एक वैचारिक संगठन है। बाकी संगठन किसी न किसी की भीख रहती है, लेकिन ये जो संगठन है एक वैचारिक संगठन है। या किसी से वैचारिक संगठन आप लोगों के मन में विचार आया हो कि वैचारिक संगठन आखिर है क्या, आया विचार में मन में आया कि वैचारिक संगठन है क्या? वैचारिक संगठन का मतलब ये होता है कि हमें किसी पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं रहता, मतलब हमें उसके व्यक्ति के विचार से रहता है, चाहे वह कांग्रेस का रहे, चाहे बीजेपी का रहे, चाहे गोंडवाना का रहे। हमें उसके विचार अच्छे लगने चाहिए कि वो हमारे लिए काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, हमारे अंदर अधिकार ला सकता है या नहीं ला सकता है, हमारे लिए योजनाएं ला सकता है या नहीं ला सकता है, हमें उसकी विचारधारा पे चलना है कि वह हमारे लिए काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। लेकिन मैं देखता हूँ हमारा समाज सिर्फ कट्टरपंथी पर पीछे रह गया है कि मैं कट्टर गोंडवाना का हूँ, मैं कट्टर बीजेपी का हूँ और मैं कट्टर कांग्रेसी का हूँ। इस बात से आप लोगों का जो हक अधिकार है, आप लोगों की योजनाएं हैं, आप लोगों को जो फायदे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। इस कट्टरपंथी को छोड़ दीजिए, बल्कि कट्टरपंथी को छोड़ते हुए विचारधारा पे चलिए कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए योजनाओं का लाभ दिला सकता है, कौन सा व्यक्ति हमारे लिए फलाना फलाना काम कर सकता है। जब आप उसकी विचारधारा पे चलने लगोगे तो आपके काम होने लगेंगे, लेकिन आप कट्टरपंथी पे चलोगे तो ना आपके काम होने वाले हैं, आपको योजनाओं के फायदे मिलने वाले हैं। यही विचारधारा लेकर हमारे डॉक्टर बिलाल रावत जी चले थे और आज उन्होंने कांग्रेस से टिकट लेकर चुनाव लड़ा और विधायक बने और आज विधानसभा पे आदिवासियों की आवाज उठा रहे हैं। ऐसी ही आवाज आप लोगों को अपने क्षेत्र पर युवा नेतृत्व के माध्यम से उठाना है और आने वाले समय पर सरपंच चुनाव आने वाले हैं, जिला पंचायत चुनाव आने वाले हैं, तो आप ही के युवा लोगों को आगे आना है और उस युवा को आगे लाइए जो आप लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ सके और आवाज उठा सके। नहीं तो ऐसे सरपंच को भी मत खड़े कर देना जिसे अपने हक अधिकार ना पता हो, जिसे अपने पांचवी अनुसूची ना पता हो, जिसे अपनी योजनाएं ना पता हो। ऐसे सरपंच को आप बनाओगे तो 5 साल सिर्फ लड्डू ही खाओगे। अगर 5 साल अगर आपको अपने गांव में रोड चाहिए, अगर 5 साल आपको अपने गांव में सही में विकास चाहिए, तो ऐसे सरपंच को बनाना जो दिन दहाड़े बोल भी सके और दिन दहाड़े आपकी योजनाओं को ला भी सके, ऐसे सरपंच को आप लोगों को बनाना है। यही मिशन को लेकर हुए आज हम लोगों ने जो मिशन युवा नेटवर्क संवाद जो रखा है, ताकि हम युवाओं को भी मौका मिल सके। युवाओं के अंदर खून तो बहुत गर्म रहता है, जोश भी बहुत रहता है, लेकिन उन्हें मौके नहीं मिल पाते। मौके नहीं मिल पाने के कारण वो अपनी राजनीति भी नहीं चमका पाते, ना अपने समाज जो बोलने की कला है उसे भी नहीं ला पाते। जैस के माध्यम से हम लोगों ने जो मिशन रखा है, जिसके माध्यम से इन युवाओं को मौका दिया जा रहा है ताकि वह भी जान सके आने वाले समय पर। अभी मेरे एक भाई ने कहा कि कुंडम क्षेत्र पर बदले देखा हूँ, बर्गी बांध बहुत बड़ा बना हुआ है और रियलिटी ये सही है कि 300 किलोमीटर पानी जा रहा है, लेकिन उनके 35 किलोमीटर इलाके में पानी नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? इसकी कमी भी हमारे अंदर है, क्योंकि हमने एकजुट होकर कभी संघर्ष नहीं किया। एकजुट होकर संघर्ष करते तो शायद ये नौबत ना आती। मैं छिंदवाड़ा शहर से बिलोंग करता हूँ और मैं छिंदवाड़ा जिले का जिला अध्यक्ष हूँ। आज मैं छिंदवाड़ा जिले में मैं छोटा जरूर हूँ, उम्र में कम हूँ, लेकिन बड़े बड़े नेताओं के साथ मिलकर ऐसे ऐसे काम करता हूँ ताकि हमारे युवाओं को आप देखिए, फेसबुक के माध्यम से जुड़िए, आप छिंदवाड़ा में देखिए कि मैंने भी छोटी उम्र में होने के नाते भी मेरे साथ छोटे छोटे युवा हैं, लेकिन हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। सिर्फ इसलिए किए हैं क्योंकि वो संविधान हमने पढ़ा है, वो नियम कानून हमने पढ़े हैं। तो आप लोगों को भी वो नियम कानून और वो संविधान और वो तमाम तरह की योजनाएं जो हम युवाओं को बताते रहते हैं उसको भी जानने की जरूरत है। मैं भी थोड़ी देर पहले मैं विचार रखा हुआ था, मैं पूछा कितने लोगों को हमारी योजनाओं के बारे में पता है, तो सिर्फ 1-2 लोगों ने हाथ उठाया। बहुत जब तक आपको अपनी योजनाएं नहीं पता रहेगी, आपके हक अधिकार ही नहीं पता रहेंगे, तो कैसे आप लड़ाई लड़ोगे? लड़ सकते हो क्या? नहीं लड़ सकते। तो आप लोगों को सबसे पहले गांव-गांव में इस तरह से जुड़ना पड़ेगा और गांव-गांव में सबसे पहले आप लोगों को जरूरत है आपने हक अधिकार, अपनी योजनाएं, ये तो आप लोगों को पता चल सके कि हमें कौन कौन सी योजनाएं प्राप्त है, कौन कौन से हक अधिकार हमें प्राप्त है, जब आप आगे की लड़ाई लड़ सकते हो। नहीं तो मैं कहता हूं आप ही देश के 70
साल हो गए हैं, कई देश कई भारत के कई इलाकों का विकास हो गया, लेकिन इस आदिवासी का कोई विकास नहीं हुआ। मैं देखता हूँ गांव में अभी भी वो खपरे के मकान में रह रहा है, वही रोड है, वही जिंदगी है, जैसा खेती बाड़ी करता था वही कर रहा है। लेकिन दूसरा समाज को मैं देखता हूँ, वही समाज जो हमारे साथ पला बड़ा, लेकिन आज वो बड़ी बड़ी होटलों में रह रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके पास, उसके बच्चे बड़े बड़े फॉरेन में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन ये समाज, ये जो जबलपुर जो शहर अभी आज मैं जहां बात कर रहा हूं, वो राजा शंकर सा रघुनाथ सा का ये पूरा क्षेत्र, लेकिन आज किसी के पास इतनी जमीन नहीं है कि वो बोल सके कि मेरे गोंड के पास 100 एकड़ जमीन है, किसी के पास नहीं है। बड़ी गर्व की बात है कि आज हमारे पास हमारे राजा महाराजा यहाँ के थे, हम उसके पुरखा, लेकिन हमारे पास कोई जमीन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास हक अधिकार नहीं है। इस बात को भी हमें जानना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें थी जो आप लोगों के बीच पर रखना था, और ये युवा संवाद के माध्यम से यही सारी चीजें आप लोगों के बीच पर हम लोग रखना चाहते हैं। और आप लोग जैस के माध्यम से अगर जुड़ेंगे तो आने वाले समय पर आपके क्षेत्र पर आकर आपके हक अधिकार, आपकी योजनाएं आपके बीच पर लेके आएंगे। मेरे सुमन संचालक जी बाहर चले गए हैं और मेरे विचार भी लंबे हो जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि मन संचालक जी जल्द से जल्द आ जाए ताकि आप और भी अतिथियों को मौका दें यहाँ पर विचार रखने का। तो ये सारी चीजें थी साथियों, जैस के मकसद को आपको समझना पड़ेगा, युवा नेतृत्व को आपको समझना पड़ेगा कि हम किस लिए आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं और आगे चलकर क्या क्या कर सकते हैं। ये सारी चीजों को तो लीजिए, हमारे मन संचालक जी आ गए हैं। मैं अपनी बातों को विराम देते हुए जय सेवा जय गुरुनाथ।